में जहां हमारे रजाकार हजरात नजर आ रहे हैं, इस लाइन से लेकर चंडीगढ़ से लेकर रजाकार हजरात की लाइन तक और फिर रजाकार हजरात से लेकर ताहत नजर पीछे जहां जहां गाड़ियां कड़ी नजर आ रही है, इन गाड़ियों के मालिकान ड्राइवर हजरात से गुजारिश है कि अपनी गाड़ियां यहां से हटा दे। हमारा जलसा आज का आजादी मार्च का जलसा आज का प्रोग्राम इसी जगह होगा। भाई जान, ये झंडे वाले से कहिएगा झंडा पीछे, झंडा पीछे जहाँ जिनके छतों पर हमारे साथी कारकुन हजरात तशरीफ फरमा है, इन हजरात से गुजारिश है कि बसों से नीचे उतरकर ये बसें यहाँ से हटा दें ताकि हमारे रजाकार हजरात को जहमत का सामना न हो, शुरका हजरात को जहमत का सामना न हो, थोड़ा ऊपर कर लें या नीचे में कोई जहमत न हो। लिहाजा ये सारी गाड़ी यहाँ से हटा दें और जितनी गाड़ियां यहाँ पहले से खड़ी हैं उनके ड्राइवर हजरात से गुजारिश है और हर काफिले के अमीर और हर बस हर गाड़ी के अमीर से गुजारिश है कि अपने इन गाड़ियों को यहाँ से हटा दें। इंजीनियर आबिद अब्दुर्रज़्ज़ाक आबिद डॉक्टर साहब की तरफ से उनकी तरफ से हुक्म है कि यह सारा एरिया खाली करा दिया जाए। जब तक यह एरिया क्लियर नहीं होगा, आपकी तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलेगी, तब तक ये मजमुआ इसी तरीके से आपको कितर कितर नजर आएगा, मुंतशर नजर आएगा। जलसगा यही है, प्रोग्राम यहाँ होगा। ये पीछे जितनी बसें खड़ी नजर आ रही है, इन सारी बसों को हटा दे, सारी छोटी मोटी बड़ी गाड़ियों को हटा दे और मीडिया की जो गाड़ियां आ रही है उनको रास्ता दिया जाए। और मीडिया वाले हजरात से गुजारिश है कि आपके लिए जो पॉइंट मुख्तस किया गया है, आपके लिए जो जगह मुकर्रर की गई है, आप अपने तमाम कैमरामैन हजरात को यहाँ भेज दें। और ये जो पीछे गाड़ियां खड़ी है, मैं गुजारिश करूंगा अपने कारकुन हजरात से, इंजीनियर अब्दुर्रज़्ज़ाक आबिद डॉक्टर साहब का हुक्म है रजाकार हजरात के हवाले से कि पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं उनको आगे न आने दिया जाए। कंटेनर के मध्य मुकाबल कंटेनर के सिंह में जो रोड है, ये पूरा रोड आपने दोनों सड़कों से खाली रखना है। इंशाल्लाह अब से थोड़ी देर के बाद आप दुनिया देखेंगे, दुनिया वालों की नजरें देखेंगे, ताहत नजर समंदर देखेंगे, दुनिया देखेगी कि कौन आया, कहां से आए, कौन से आए, कैसे आए। ये वो दुनिया लोग आएंगे, वो शौका आएंगे कि हर आदमी देख करके हैरान होगा और कहेगा कि हम तो आजादी मार्च से ये तवक्को नहीं रखते थे, लेकिन अब तो मामला, अब तो मसला तवक्को से पड़ चुका है, अब तो यकीन की तरफ आ चुका है। लिहाजा जब तक आप ताउन नहीं करेंगे, अपने इंतजाम ठीक नहीं करेंगे, हमारे कारकुन हजरात एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे, तब तक आपको और आने वाले लोगों को मजा भी नहीं आएगा। दुनिया आई हुई है, हर तरफ रास्ते बंद है, काफिले ही काफिले आ रहे हैं, हर तरफ से लोगों का लश्कर आ रहा है। कारवा में हक का सारे शोर का इस वक्त सारे मुतवज्जे है, सारे सबके रास्ते एक ही तरफ, एक ही जानब, एक ही सिमत, एक ही रुख, वो है मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान वाले हजरात जो यहाँ इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि हमारे रजाकार हजरात के साथ, इंतजामिया से गुजारिश है कि हमारे रजाकार हजरात के साथ ताउन फरमा ले। ये जो सामने बसें नजर आ रही हैं, चार पांच पांच छह सात किस बड़े बड़ी वो बसें नजर आ रही हैं, इन बसों को यहाँ से हटा दिया जाए। जब तक ये बसें नहीं हटेगी, लोगों को आने में दुश्वारी होगी, मुशक्कत होगी और यहाँ आना पहुँचना हो, यहाँ पहुँचना मुश्किल होगा। इन बसों के ड्राइवर हजरात जहाँ भी हैं, इनसे गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों को यहाँ से हटा दें। ये हमारे जो सामने बसें नजर आ रही हैं, ये सारी बसें छोटी मोटी गाड़ी यहाँ से हटा दें और मीडिया वाले गाड़ियों को आने दिया जाए। ना बोला तो का हमी योदियों का ही जटे, इस
ये पीछे पब्लिक के पीछे जो सालार खड़े हैं, ये बलूचिस्तान के अलवा के साथी जो पीछे खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि वो एक तरफ पर आ जाए, क्योंकि ये पुल के से दोनों अतराफ जो पुल है, इसकी जिम्मेदारी हमारे हमें सौंपी गई है। लिहाजा तमाम अलवा के सालारों से गुजारिश है कि वो अपने साथियों को ऊपर पुल पर ले जाए, ताकि जो मरकजी सालार ने जो हदूद हमारे लिए मुतयन किए हैं, उस पर हम अपने ड्यूटी सरंजाम दें। आप सब से गुजारिश है, ये पीछे जो सालार खड़े हैं, ये अपने बाकी सालारों के साथ एक तरफ बात है, पुल के ऊपर जा जाए, ताकि वहां पर दोनों तरफ से हम पुल को कवर सके। हमारी मदद करना। दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इमरान खान ने चैलेंज किया था, किसी में हिम्मत है तो धरना दे, मैं कंटेनर भी दूंगा, नाश्ता भी खिलाऊंगा। इमरान खान, तू आज अपने वायदे पर सच्चा रहो, हमें कंटेनर भी दो और मौलवी हलवा भी खिलाओ। अगर वायदा पूरा नहीं कर सकते हो तो इज्जत के साथ इस्तीफा देकर चले जाओ लंदन, जहाँ की तुम पैदावार हो वहाँ चले जाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे तरह नाचने वाले नहीं है, गाने वाले नहीं है, ये कुरान और हदीस पढ़ने वाले हैं, और तुम्हारे पास नहीं है कबीर के लिए काली ले जाओ तुझे मियाँ वाली, ये अलग तीन जाने का कितना बता रहे हैं तुम्हारे बनो, और आगे तो इंशाल्लाह ताला इनके साथ अल्लाह की रहमत दे दो रास्ता, और हमारा आजम है इंशाल्लाह इमरान को निकालेंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी करो, हमारी इज्जत बचाओ, हमारी हम मजबूर हैं। Maulana, 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 Maul
लोगों के लिए वीडियो है, साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कहते थे 4 से 5 हज़ार लोग होंगे, हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी आके देख सकते हैं, कैमरे में भी नज़र आ रहा है। एक तवील कतार मीनार पाकिस्तान की दोनों साइडों पे गाड़ियों की, तीन तीन लाइनें गाड़ियों की जो है वो मौजूद है। कि मेरे ख्याल से तो 4-5 हज़ार से ज़्यादा तो सिर्फ गाड़ियाँ ही होंगी, और एक बस में, बड़ी बस में तकरीबन जो है वो 27 से 28 अफराद जो है वो सवार होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान के चारों तरफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कायद जमीयत के दीवाने, मस्ताने, परवाने आका से मोहब्बत, आज़ादी वतन, अपने हक की खातिर जो है वो लड़ने के लिए आए हुए हैं। ये हम आपको दिखाते रहे। आज़ादी चौक मीनार पाकिस्तान के ऊपर आज़ादी चौक के ऊपर मीनार पाकिस्तान पे हर तरफ से जो है वो आवाम के जुमले वफीद, गाड़ियाँ और पैदल बसें, रिक्शे, मोटरसाइकिलें, साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करते जाएं, फिर लाइक करते जाएं। हम ये नीचे पंडाल का मंजर आप देख सकते हैं, माशाल्लाह। गुजारिश की गई थी कि ये कैंटीन के साथ
कैसे जाओगे बस? Oh,
ये साउंड की आवाज थोड़ा कम करें, साउंड की आवाज थोड़ी सी कम करें। पंडाल में नहीं आया आप? उम्र बात कर रहा हूँ मैं आपको। कौन कहता है कि हम आज खा जाएंगे?
आज के दिन की कार्रवाई का